यूपी में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 25 मई से शुरू हो रहे इस आयोजन में पीएम मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे। इसी के साथ ही लखनऊ के बीबीडी में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत प्रदेश के तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी के खेल निदेशक आरपी सिंह ने इस आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि देश भर से 208 विश्वविद्यालयों के 4,750 से ज्यादा खिलाड़ी इस आयोजन में हिस्सा लेने उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। 25 मई से 3 जून तक नोएडा, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर में 21 खेलों का आयोजन होगा। इन खेलों के जरिए युवाओं को आगे चलकर प्रदेश और देश के लिए भी खेलने का मौका मिलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में 25 मई से 3 जून तक आयोजित किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अभी तक के जो भी विश्वविद्यालय गेम हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी 208 विश्वविद्यालय की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इसमें 4,900 के लगभग खिलाड़ी, 1,600 के लगभग ऑफिशियल वॉलंटियर्स सभी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रतियोगिता, और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि अभी तक के जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे उसमें नौकायन प्रतिस्पर्धा नहीं था, इस बार नया नौकायन को भी सम्मिलित किया है। 21 खेलों में ये प्रतियोगिता 25 मई से शुरू होकर के 3 जून तक ये चलेगी और जिसमें कि विभिन्न खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। लखनऊ में 12 खेलों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, गौतम बुद्ध नगर में 5 खेलों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, वाराणसी में 2 खेलों की और गोरखपुर में 1 खेल और नई दिल्ली में 1 खेल। शूटिंग रेंज न होने के कारण दिल्ली में हो रही है और इसमें देखेंगे कि बहुत से नए नए रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे। सर, 25 मई को जब इन खेलों का उद्घाटन होगा तो क्या मुख्यमंत्री जी जुड़ेंगे और क्या प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ रहे हैं और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। देश के जो केंद्रीय खेल युवा कल्याण मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और राज्य मंत्री जी जो भारत सरकार के हैं वो, और प्रदेश के भी खेल मंत्री जी, सभी लोग वहां उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं और अधिकारीगण, न्यायाधीशगण, सभी लोग उपस्थित रहेंगे। यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार करने जा रहा है और ये अवसर उत्तर प्रदेश को पहली बार मिला, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय खेल मंत्री भारत सरकार जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश को अवसर दिया। हमारे जो खेलो इंडिया खेलो के तहत यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही है, 4 स्थानों पर हो रही है। एक तो नोएडा में और गोरखपुर में, बनारस में, लखनऊ में। हम इसको 4 स्थानों पर विभक्त करके इसके आयोजन को करा रहे हैं। उनकी पूरी हमारे इसमें 200 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी, देश भर के लगभग 5,000 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और उनके साथ कोचेज, मैनेजमेंट वाले सब भी रहेंगे। उनके रहने की, खाने की, उनके हर प्रकार की सुविधा को ध्यान में रखकर पूरा पुख्ता इंतजाम सरकार ने कर लिया है कि वो कहाँ आएंगे, कहाँ रहेंगे और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब का पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिया है। ये उसकी पूरी भव्यता के साथ ये आयोजन हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं का एक उत्साहवर्धन होगा। हमारे युवा लोग खेल से, विधा से जुड़ेंगे और इस आयोजन से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा मिलेगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।